हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज के मेरे इस वीडियो का जो टॉपिक है, आपके बहुत सारे मेल आ रहे थे और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था सैंडलवुड ऑयल के साथ आप कौन सी डाइट लें। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे रात में, मेल्स मेरे पास बहुत सारे आ रहे थे। तो एक चीज़ मैंने क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो बनाया है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर शालिनी नहीं हूँ, ऑफ कोर्स नहीं हूँ, ना कभी उनके जैसे बन सकती हूँ। वो मेरी भी आइडियल हैं, मैं भी उनको लास्ट 5 ईयर से फॉलो कर रही हूँ और काफ़ी रेमेडीज उनकी मैंने यूज़ की हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी मैंने उनको किए हैं, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ा है मुझे। और मैंने जैसे अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो भी देखे होंगे सैंडलवुड ऑयल के बारे में, तो मैंने कहीं भी ये नहीं बोला है कि सैंडलवुड ऑयल मेरी रिसर्च है या मैं आप लोगों को ऐसे बता रही हूँ। जब मैंने अपने फर्स्ट वाले वीडियो में बोला था कि मैं इसे लेमन वाटर के साथ ले रही हूं, तो मैंने लेकिन जब मैंने सेकंड वीडियो बनाया था, तो मैंने आप लोगों को उसमें नॉर्मल वाटर के लिए बोला था। कभी मैंने आप लोगों को ये नहीं बोला कि आप लेमन वाटर से लीजिए, ठीक है। फर्स्ट चीज ये हो गई। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं, तो हर जगह मैंने ये बोला है कि मैं कोई भी जब ड्रिंक लेती हूँ तो उसे 10 दिन से ज़्यादा नहीं लेती हूँ। यानी कि मैं 10 दिन फॉलो करती हूँ, फिर 10 दिन बाद कोई दूसरा ड्रिंक लेती हूँ, फिर मैं तीसरा ले रही हूँ। जैसे करंट में मैं अभी पिंक टी जो है वो ले रही हूँ सैंडलवुड ऑयल के साथ। उस समय जब मैंने बताया था, तो उस समय मैं लेमन टी, लेमन वाला ले रही थी। तो अगर मैं 10 दिन लेमन लेती हूँ, 10 दिन पिंक टी लेती हूँ, 10 दिन फिर मैं ऑरेंज टी लेती हूँ, इस तरह से मैं लेती हूँ। और ये वेल नोन है कि पिंक टी के साथ आप लेमन नहीं ले सकते हो, ये पूरी तरह से वर्जित है। तो एक चीज़ ये क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ ये चाहती हूँ कि जो आप लोग बोलते हो कि आप कॉपी कर रहे हो, आप शालिनी मैम बन रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं उनके जैसे कभी ना बनना चाहती हूँ और ना कभी बन पाऊंगी। तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना था। और आई नो कि सबको लेमन नहीं सूट करता है, जस्ट लाइक मेरे हस्बैंड, उनको भी लेमन सूट नहीं करता, मुझे लेमन सूट करता है, इसलिए मैं लेमन लेती हूँ। लेकिन काफ़ी दिन तक नहीं लेती हूँ। अगर मैं 10 दिन ले रही हूँ, तो उसका जो सेकंड जो सर्किल आएगा वो आएगा 3 मंथ्स के बाद, क्योंकि मैं बीच में काफ़ी ड्रिंक्स लेती रहती हूँ। कभी क्यूमिन वाटर लेती हूँ, कभी अजवाइन वाटर लेती हूँ, कभी कोई पिंक टी लेती हूँ, कभी ऑरेंज टी लेती हूँ। तो इस तरह से कर करके जो मेरा लेमन का पोर्शन आता है, जो सर्किल आता है, वो 3 साढ़े 3 महीने बाद आता है। तो उतना ज़्यादा इफेक्ट मुझे नहीं पड़ता है लेमन से, मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और जब इसीलिए मैंने जब आप लोगों को सेकंड वीडियो में बताया था, तो मैंने एक चीज़ क्लियर की थी कि जो आप लोग लोगे वो, क्योंकि मैं उस तरह से ले रही हूँ, वो मेरी बॉडी डिपेंड करती है। लेकिन जब मैंने आप लोगों की सजेशन की बात आई, तो मैंने अपने सेकंड वीडियो में आप लोगों को नॉर्मल वाटर से ही लेने को बोला था। और जो मैंने अभी करंटली लॉन्च किया है, उसके बारे में मैं इसलिए नहीं अभी बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा अभी जो पहले ही वाला है, जो हनी बी वाला है, मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ और उसी का ही रिव्यू मैंने आप लोगों को बताया था। उसका रिव्यू मैं अभी नहीं कर सकती। जब मेरा ये वाला ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही मैं उसे परचेज करूँगी। एक साथ ढेरों लगा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वही चीज़ लीजिए जो आपको बेनिफिट हो। अब रही सैंडलवुड ऑयल के साथ डाइट की, तो मैंने आपको उस वीडियो में पहले भी बोला है कि इस डाइट को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, सैंडलवुड ऑयल लूँ या ना लूँ। तो उससे क्या है, मेरा वेट मैनेज रहता है, जो थोड़ा बहुत बड़ा है वो भी कम होता है। जैसे मैंने उस वीडियो में अपने बोला था कि मुझे अभी करंट वेट मेरा 54 है और मुझे 50 करना है। इसलिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंडलवुड ऑयल इंचेस लॉस करता है, दूसरी चीज इस डाइट से मेरा जो है वो वेट गेन भी नहीं होता है। क्योंकि जो मेरे वेल नोन सब मेरे पहले के वीडियो देखे हैं, वो सब जानते हैं कि मैं भी एक थायराइड पेशेंट हूँ और मेरा मेटाबॉलिक रेट भी काफी स्लो चलता है। इसलिए कि अगर मैं थोड़ा बहुत चीटिंग डाइट कर लेती हूँ, तो उससे अगर थोड़ी बहुत करती हूँ तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैं 3-4 दिन लगातार कर लेती हूँ, तो मेरा वेट जो है वो टॉन हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा ऐसी डाइट प्रेफर करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं बोला है कि मतलब कि शाली मैम को नाम करिए या वो मत करिए, या मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि वो खुद मेरी आइडियल है, मैं खुद उनको फॉलो करती हूँ, कभी किसी को। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे चैनल पर आके प्लीज़ उनके बारे में गलत बातें मत बोलिए, नेगेटिव मत बोलिए।
एक दो लोगों ने बोली है, मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, प्लीज ऐसा मत करिए। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि उनके बुराई करके आप यहाँ पे आके कुछ कर देंगे या बहुत फेवरेट बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं उनकी बुराई बिल्कुल भी सुन नहीं सकती हूँ अपने चैनल पर। अगर करनी है तो आप अदर जगह जाके गंदगी फैलाइए, मेरे उस यहाँ पे आके ऐसी गंदगी मत फैलाइए। और जब कोई सब्सक्राइबर मुझसे ये बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो हमेशा यही उन्हें बताती हूँ कि मैं कभी भी शालिनी मैम जैसी नहीं बन सकती हूँ और ना बनना चाहती हूँ। बस एज अ मैं आपको रिव्यू करती हूँ एज अ यूट्यूबर, कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए मैंने यूज किया, मैंने वहां पे भी ये नहीं बोला था कि ये मेरा प्रोडक्ट है। जैसे मैं हर चीज का रिव्यू करती हूँ, मैंने इसका भी रिव्यू किया कि मैं इस तरह से इसे लेती हूँ और ये मेरे ऊपर काफी इसने अच्छा फर्क किया है। ओवरऑल बॉडी का जो फैट गया है, फैट इट मींस कि मेरा इंचेस लॉस हुआ है। स्किन भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया, जस्ट लिप कलर लगाया है। जो सबसे प्रीवियस वीडियो था सैंडलवुड ऑयल के साथ कि उसने काम किया कि नहीं, उसमें भी मैंने सिर्फ और सिर्फ लिप कलर लगाया था। मेरे जितने भी वीडियोस हैं मैं वहां पे सिर्फ लिप कलर यूज करती हूँ। और जो लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने नहीं लिया, एक महीने लिया, 10 दिन लिया, मुझे इफेक्ट नहीं दिया, तो उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि मैम ने बोला है कि इसे लॉन्ग टर्म लीजिए, मतलब कि कंटिन्यू करिए करिए, 3 मंथ्स कंटिन्यू करिए। और नए वाले प्रोडक्ट के बारे में मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि मैंने उसे यूज नहीं किया है। तो अब जस्ट आप उसको ऐसा सोचिए कि जैसे मैं हर प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ, मैंने उसका भी रिव्यू किया। अब जैसे मैंने बायोटिक के प्रोडक्ट का रिव्यू किया था, तो अब आप मुझे बोलिए कि मैं बायोटिक के मैनेजर बन के बैठ गई हूँ, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, तो ये कोई भी लॉजिक नहीं हुआ। जैसे कि मैंने अभी एक जब मेंस्ट्रुअल कप यूज किया था, तो उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था क्योंकि मैंने उसे यूज किया, काफी अच्छा फील मुझे हुआ, तो मैंने आपके साथ उसका रिव्यू शेयर किया। अब आप मुझे बोलिए कि मैं एवरटेल के मैनेजर बन गई हूँ, तो इट्स नॉट अ लॉजिक। जस्ट मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू किया था, जैसे मेंस्ट्रुअल कप का किया था, जोक तेल का किया था कि आप इस तरह से यूज करिए, आपको इस तरह से बेनिफिट होगा, इस तरह से यूज करिए। तो मैंने जस्ट एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। यूज करना ना करना आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैम गाइड कर रही है, मुझे भी गाइड कर रही है, तो मैं किस तरह से लेती हूँ जस्ट मैंने आपको वो बताया था। यहाँ पे मैम को मेरी रिस्पेक्ट करने की कोई भी इंटेंशन नहीं थी, और बहुत से लोग ये बात समझते भी हैं और मुझे मैसेज भी करते हैं कि आप उनकी बातों को छोड़िए जो लोग अदर लोग बोल रहे हैं। आई नो कि आप ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो जस्ट एक छोटा सा वीडियो था, जो लोग मुझे ऐसी बातें बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं उनके जैसा बनूं, और ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोला है ना मुझे उनके जैसा पहली बात है बनना है और ना ही मैं बन सकती हूँ। एक चीज ये भी है, बनना तो सबको ही चाहता है लेकिन उनके जैसा बन कोई नहीं सकता, मैं भी नहीं बन सकती हूँ। तो ये चीज मुझे यहाँ क्लियर करनी थी, इसलिए मुझे रात से बहुत सारे मेल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था लाइव भी आने का और वीडियो भी बनाने का टाइम नहीं मिला। तो जस्ट मुझे अभी टाइम मिला तो मैं सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो हटा दीजिए मेरे चैनल से। और आप भी अंडरस्टैंड करिए कि यहाँ पे मैं कोई भी मैम नहीं बनने आई हूँ, और जस्ट आप लोगों को एक रिव्यू कर रही थी प्रोडक्ट का कि काफी अच्छा रिव्यू है। आज ऐसे बहुत से लोग हिचकिचा रहे थे इतने ज्यादा पैसे खर्च करने में, 1350 रुपए कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत से लोग हिचकिचा रहे हैं। तो जो जस्ट उनके मन को दूर, उनकी दिलगलामी को दूर करने के लिए मैंने ये रिव्यू किया कि आप 1350 अगर खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट काफी इफेक्टिव है और आपको बहुत सारे बेनिफिट देगा, जस्ट स्क्रीन ग्लो और इंचेस लॉस में नहीं, और बहुत सारे डिसीज में आपको बहुत सारा इसका फायदा होगा। जो लोग यूज कर रहे हैं उनको काफी फायदा भी हुआ है। तो जैसे एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों को अपनी बातें क्लियर करने का, और अब इससे ज्यादा मैं बातें क्लियर नहीं कर सकती हूँ। फिर जैसा आप लोगों की मर्जी, आप जैसा समझते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।